योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। 6 से 7 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। दरअसल मिशन 2022 की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है, इसलिए कैबिनेट के माध्यम से समीकरणों को साधने की कोशिश हो सकती है। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में मिली सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की नजर अब आगामी 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव पर है। इसके चलते अब कैबिनेट में खाली मंत्रियों के पदों को भरने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रियों में से कुछ की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इनमें जातीय गणित की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। ये संभावना दिखाई दे रही है कि इस बार दलित और पिछड़ों को प्रमुखता के रूप में जगह दी जा सकती है। यूपी में कोरोना संकट के चलते 2 मंत्रियों की मौत हुई थी, जिससे खाली पदों को भरने की अब तैयारी है। इसके अलावा 4 पद पहले से ही खाली चल रहे हैं, जिन्हें जल्द भरने की सुगबुगाहट है। सूत्रों की माने तो बीजेपी सरकार का इस विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है। इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से समायोजन की संभावना है। इसके अलावा कुछ नए चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है। मौजूदा मंत्रियों में से कुछ की विदाई भी हो सकती है। कमल रानी वरुण के निधन के बाद कैबिनेट में महिलाओं की संख्या तुलना में कम हो गई है। अब इस संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो कुछ मंत्रियों की कार्यशैली से सीएम नाराज भी हैं। उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी जगह कुछ नए विधायकों को जगह मिल सकती है, जिससे आने वाले समय में नए वोटरों को जोड़ा जा सके। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।